हाल ही में जैसे कई सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी यहाँ तक कि बच्चे के मोलेस्टेशन के मामले सामने आए हैं, उसके बारे में क्या हम कर सकते हैं जिससे इन सब चीज़ों में सुधार आ सके, आप क्या बताएंगे? स्कूल प्रशासन सबसे बड़ी तो जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होते हैं। अभी जितने बड़े बड़े स्कूलों में कांड हुए हैं तो स्कूल के जितने प्रिंसिपल हैं या जो भी होते हैं बड़े मैनेजर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और उनको दूसरी बात है कि उनको राजनीति के तो पॉलिटिकल सपोर्ट ही मिला हुआ होता है, जिसका कुछ नहीं हो पाता है। कि अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं होना मेरे साथ ही हुआ, मैंने बोला मैम ऐसे कैब में ड्राइवर आता है मेरा बेबी फर्स्ट होता है मतलब जाते टाइम, अरे मैडम आप इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा, तो बड़ी होगी तो फिर आप कैसे देखोगे, ये है वो है इश्यूज है। मैंने कहा फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब अगर कोई घटना घटती है तो फिर सबके हाथ ये होते कि नहीं भाई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से नहीं होता कि हाँ। बच्चियों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें ना अपने आसपास के माहौल को सुधारना है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को अकेला छोड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि हमें खुद अपने आप से डर लगता है कि कहीं हम उन्हें अकेला छोड़ें या ना छोड़ें, राइट। तो पुलिस हमारी हेल्प करती है, लेकिन तब तक जब तक पुलिस हेल्प आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें डरना ही पड़ता है। तो पढ़ाने के लिए दूर भेजना नामुमकिन है और आसपास बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते नहीं हैं।